हेलो बच्चों, तो कल के वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। टीथ का डायग्राम अपन लोग देखे थे, है ना। और उसमें ये एक आध दो सेल को बारे में हमने देखा कि कौन सी सेल जो एनामल सिक्रीट करती है, कौन सी सेल है जो कि पदार्थ को बनाती है, डेंटाइन्स वगैरह, है ना। ये देखा था। कुछ पॉइंट हैं जो हमको दांतों के बारे में याद रखने हैं, है ना, और वो लिख लेते हैं अपन लोग। रेजिटिस आप उनको याद करना है, जिसका कुछ वो टर्मिनोलॉजी है जिनका आपको उनका मतलब पता होना चाहिए कि उस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है ना। तो वही देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा हमारे जो टीथ थे वो बोन में फिक्स होते हैं, तो सबसे पहले वो बोन का नाम क्या है जिसमें अपने जो टीथ हैं वो फिक्स हैं। वास्तव में है तो ये अपने स्कल की ही बोन है ना, लेकिन टीथ के लिए हम एक इसे स्पेशल नाम देते हैं और उसे कहते हैं एल्वियोलर बोन। तो कुछ टीथ के बारे में अपन लोग स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं जो आप लोगों को भी नोट करना पड़ेगा एज इट इज, है ना। स्पेशल पॉइंट नंबर अपना पहला ये है कि एल्वियोलर बोन का क्या मतलब होता है। तो यह एल्वियोलर बोन मतलब होता है ये वो बोन है जिसके अंदर अपने टीथ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, है ना। तो बोन इन विच टीथ आर फिक्स, इसमें तीस अपने क्या जा करके फिक्स हो गए हैं। तो ये पहला अपना पॉइंट है कि उस हड्डी का नाम क्या है जिस पर ये हमारे जो टीथ हैं वो जा करके क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। अच्छा, एक लिगामेंट है जो इस बोन को अटैच करता है टीथ को, उसे हम लोग कहते हैं पीरियो डेंटल लिगामेंट। तो ये एक लिगामेंट है जो कि क्या करता है, टीथ एंड बोन को क्या करता है, अटैच करता है। देन अटैच द टीथ एंड बोन विच फिलामेंट, फिलामेंट नेम पीरियोडेंटल लिगामेंट। पीरियोडेंटल लिगामेंट क्या करता है, टीथ और बोन को अटैच करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारे दांत बोन में जाकर के फिक्स हैं। कहाँ पर फिक्स हैं अपने दांत, बोन में जाकर के फिक्स हैं, है ना। ऐसे दांत, अगला एक इस पे एक पॉइंट है, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब यही होता है। थीकोडोंट मतलब होता है कि दांत जो है बोन में फिक्स होना, क्योंकि सारे एनिमल में ऐसा नहीं होता कि दांत जा करके बोन में ही फिक्स हो, कुछ में ऐसे ही रखे हुए हैं, है ना। हैं जुड़े हुए हैं, कोई अलग स्ट्रक्चर है लेकिन बोन के अंदर नहीं घुसे हुए हैं। तो थीकोडोंट का मतलब होता है ऐसे दांत जो बोन में इंटर करके, हम यह कह सकते हैं बोन से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, टीथ टीथ अटैच विथ बोन और इंटर अंदर धंसे हुए, कुल मिलाकर के उसके अंदर धंस जाते हैं बोन के अंदर, ऐसे दांतों को हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। और बात करें हेटरोडोंट। हेटरोडोंट का मतलब क्या आता है, होमो मतलब एक जैसे, हेटरो मतलब होता है डिफरेंट, दांतों के विभिन्न प्रकारों का पाया जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, है ना। तो यहाँ कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, दांतों के कई प्रकार। जैसे हम बात करें अपनी, तो हमारे अंदर दांतों के कई प्रकार हैं। मैं अभी आपके दांतों के प्रकार भी बताता हूँ। तो इसे हम कहते क्या है, हेटरोडोंट कहते हैं। होमोडोंट का मतलब सारे दांत एक जैसे हों, और हेटरोडोंट मतलब सब डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, है ना। चार प्रकार के दांत अपने हैं, तो वो दांतों के प्रकार हैं, अतः हम कहते हैं हेटरोडोंट है। एक कल आपको बताया था ब्यूनोडोंट, ब्यूनोडोंट कल मैंने आपको बताया था। ब्यूनोडोंट मतलब क्या होता है, कस्प प्रेजेंट इन टीथ। कस्प माने क्या है, ये भी बताया था, एक छोटा सा, है ना, दांतों के पास एक छोटा 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 हल्का हल्का सा उभार पाया जाना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूनोडोंट, है ना। एक है मोनोफोडोंट। मोनोफोडोंट मतलब होता है वन टाइम टीथ इन लाइफ, पूरी जिंदगी में जो दांत हैं अगर एक बार आते हैं तो मोनो है। डाई कर दिए मतलब डाइफो मतलब क्या हो जाएगा, टू टाइम इन टीथ, कितनी बार आएंगे दांत, दो बार। अगर दो बार आए हैं तो हम डाइफोडोंट हैं, एक बार आएंगे मोनोफोडोंट हैं। ब्यूनोडोंट का मतलब होता है छोटा सा, दांतों के सामने कस्प पाया जाना। हेट्रोडोंट मतलब होता है डिफरेंट टाइप के टीथ,
ठीकोडॉन्ट का मतलब होता है दांत जो होते हैं वो बोन से जा करके अटैच है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखना है, दांत किस हड्डी में है तो आपको बताना है एल्वियोलर, कौन सा लिगामेंट है जो दांतों को फिक्स करता है तो बता देना पीरियोडेंटल लिगामेंट होता है। तो ये दांतों के बारे में कुछ पॉइंट है। अभी हम लिखते हैं टाइप ऑफ टीथ। इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, वीडियो को रोक लीजिएगा, इसके बाद आपको इसको नोट कर लेना है। हम ह्यूमन टीथ की बात कर रहे हैं, किसी और जगह पे नहीं पहुंच जाना है कि सर हम तो किसी दूसरे एनिमल के बारे में सोच रहे थे, है ना। तो ह्यूमन ह्यूमन टीथ की बात हो रही है, किसी दूसरे की नहीं। इस पर टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास चार प्रकार के दांत हैं, है ना। कितने प्रकार के दांत होते हैं ह्यूमन में? चार प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। पहले दांत का नाम होता है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, दूसरा है कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। तो कितने प्रकार के दांत हो गए अपने? अपने दांत हो गए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सीजर माने क्या होता है? सीजर माने होता है कैंची, कैंची का काम होता है कटिंग। तो ये वाले जो दांत होते हैं इनका काम होता है काटना या कटिंग के लिए होते हैं ये। तो ऐसा पूछा जा सकता है इंसीजर का काम बताओ, इंसीजर का काम रहेगा कटिंग। कैनाइन इनका काम होता है टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना, है ना। ऐसे एनिमल्स जो मांस वगैरह खाते हैं वो उसे क्या करते हैं, पकड़े पहले फाड़ते होंगे, है ना। उन्हीं से कैनाइन मतलब होता ही है ना, मांस खाने वाले एनिमल्स उनमें ये दांत थोड़ा सा फाड़ने चीरने के काम आते हैं, है ना। ये इनका काम होता है चबाना। जैसे हमने खाना खाया है ना, हमने इसको खाना खाया, अब उसे हम चबा रहे हैं। तो प्रीमोलर का मेनली अगर एक फंक्शन कोई पूछे तो हम उसे कहते हैं कि इनका काम क्या होता है, चबाना होता है ना। इनका काम होता है च्युइंगिंग, और इनका होता है पीसना, पीसना का मतलब होता है ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग का मतलब वही है ना, चबाने से ही संबंधित है ना। तो चबाएंगे या पीसते हैं बार बार। तो ऐसे हमारे दांत चार प्रकार के हो जाएंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमको इसी क्रम में ही दांतों को याद रखना है, आई सी टी एम। क्यों? क्योंकि हम अभी एक डेंटल फार्मूला बनाएंगे और डेंटल फार्मूला में हमको इसी क्रम में टीथ याद करने पड़ेंगे। डेंटल फार्मूला क्या होता है? दांतों का एक सूत्र होता है जिसके बारे में हमको ये देखना पड़ेगा। तो हमको इन्हीं इसी क्रम में याद करना है अपने दांतों को कि आई सी टी एम, पहले इंसाइजर, कैनाइन, फिर प्रीमोलर, मोलर। अगर हमको इसकी ये बात करना हो कि कौन किसके काम आता है तो इंसाइजर के काम आते हैं काटने के लिए, कैनाइन फाड़ने के लिए, प्रीमोलर और मोलर किसके लिए होते हैं, ये चबाने के लिए, ठीक है ना। अपर प्रीमोलर, अगर हम अपर मोलर की बात करते हैं तो अपर मोलर जो होता है, यहाँ स्पेशल लिख देता हूँ, अपर मोलर जो है, अपर मोलर में जो रूट कैनाल होती है, रूट जो होती है, रूट वो तीन होती है। अतः ये सबसे मजबूती से जुड़ा है, सबसे मजबूती से, सबसे मजबूती से बोले तो बोन के अंदर धंसा हुआ है सबसे मजबूती से। तो सबसे मजबूती से जो अंदर चला जाता है दांत वो होता है प्रीमोलर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रूट होती है, सारे टीथ में अलग अलग होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी बात देखते हैं। जैसे हमने कहा कि हम हमारे दांत, इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे हमारे दांत हमने कहा हम डाइफोडोंट है, तो डाइफोडोंट का दर मतलब क्या है? मैंने कहा दो बार दांत आते हैं, तो क्या सारे हमारे दांत दो बार आते हैं? नहीं, तो हमारे कुछ दांत दो बार आते हैं, कुछ एक बार आते हैं। तो पहले डाइफोडोंट का देखते हैं, डाइफोडोंट। टू टाइम टीथ, तो हमारे दांत तो इस प्रकार के हैं कि कुछ डाइफो हैं, कुछ मोनोफो हैं। मतलब कुछ दांत दो बार आते हैं, कुछ बार एक ही बार आते हैं, है ना। तो जो एक ही बार, जो दो बार आए, चलो जो दो बार आते हैं, टू टाइम आते हैं,
उसे हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। आपने सुना होगा दुधिया दांत, टूटते हैं एक बार वो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दूसरे होंगे हमारे परमानेंट। परमानेंट मतलब अगर एक बार आ गए फिर उनका दोबारा काम खत्म, अगर एक बार टूट गए दोबारा नहीं आने वाला, ये अपने से टूटेंगे, है ना। इसे इनका दूसरा नाम भी होता है ना, हम लोग इसे कहते हैं देसी दिवस तीत भी कहते हैं। अगर इनकी नंबर की बात करें कि इनका नंबर कितना है, तो मिल्क टीथ की संख्या होती है 20, और परमानेंट टीथ कितने होते होंगे अब आप बताओ। परमानेंट टीथ अगर हम पूरी एडल्ट में ही बात करें तो फिर हमारे कितने हो जाते हैं? 32। लेकिन पहले तो ये आएंगे, फिर परमानेंट टीथ आएंगे। लेकिन अब परमानेंट टीथ तो और टोटल कंप्लीट 32 हो गए लास्ट के लिए, है ना, वो परमानेंट हो गए, क्योंकि लास्ट ये भी फिर बाद में जा करके दूसरी बार तो परमानेंट ही हो जाने, तो बनेंगे तो 32 ही। लेकिन ये दो बार आए हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे? डाइफोडोंट हैं ये। और ये कैसे हैं? इसमें तो डाइफोडोंट वाले भी मिल गए और परमानेंट वाले भी मिल गए। तो परमानेंट हुए कितने जो एक ही बार आए? तो आप कहोगे सर कुछ इसमें ऐसे टीथ हैं, क्योंकि डाइफोडोंट भी इसी में जोड़ दिए, तो कुछ मोनोफोडोंट भी होंगे इसमें। मोनोफोडोंट का क्या मतलब हुआ? मोनोफोडोंट का मतलब हुआ जो एक बार आए। तो कितने आए? तो 32 तो कुल थे, जिसमें से 20 हमारे दो बार आए, तो कितने हुए? 12। तो 12 ऐसे हमारे दांत होते हैं जो कि हमारी लाइफ में केवल और केवल एक बार आते हैं। ठीक है, पहले मेरी बात समझो आप। टू टाइम टीथ इन मिल इन लाइफ, दो बार, देखो दो बार अगर टीथ आते हैं उन्हें मिल्क टीथ या डेसीडुअस टीथ कहते हैं। कितने हैं इनकी संख्या? 20 है। कितनी है संख्या? 20 है। ये डाइफोडोंट भी कह सकते हैं। डाइफोडोंट मतलब ये दो बार आते हैं जीवन में। परमानेंट टीथ की अगर बात करें तो इनके टूटने के बाद ये जो बनते हैं वो 32 हो जाते हैं। लेकिन अगर मोनोफोडोंट हम अपने अंदर बात करें कितने हैं, तो 12 हैं। और परमानेंट मतलब एडल्ट में हो चुके हैं, तो परमानेंट हमारे कुल कितने हो जाते हैं फिर टीथ बाद में? 32। लेकिन अगर परमानेंट आएगा तो आप कितना बताएंगे? 32। और मोनोफोडोंट टीथ अगर पूछता है कितने हैं, तो 12। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं कि इनके फार्मूले कैसे कैसे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिल्क टीथ की, है ना। मिल्क टीथ कितने हैं भैया? सबसे पहले नंबर बता दो। तो भैया इनके नंबर कितने हैं मिल्क टीथ के? 20 हैं। कौन कौन से हैं ये, कैसे हैं मिल्क टीथ? अब आप कहोगे मोनोफो या डाइफो, हम कहेंगे ये डाइफियोडोंट है। कैसे हैं? डाइफोडोंट है, मतलब दो बार आएंगे। अब इनका फार्मूला क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं? देखो हम अपने मुफ को जो है इसको अपन लोग चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, कुछ इस तरह से। इसका फार्मूला होता है 2102/2102। अब तुम कहोगे इसका क्या मतलब है सर? 2102 को मतलब ही नहीं समझ में आया। मैंने कहा था कि अपन जो टीथ पढ़ रहे हैं उसको किस क्रम में याद करना है। आपने कहा था कि सर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये इसी क्रम में टीथ लिखे हुए हैं। ये अपर के लिए माना गया है और ये लोअर के लिए माना गया है। तो इधर वाले ये हो गए हमारे एक तरफ के, इधर के ये यहाँ हो गया 2102 और ये यहाँ हो गया 2102। सेम ये यहाँ हो गया 2102 और ये यहाँ हो गया 2102। मतलब हैं कितने? एक साइड अगर बात करोगे तो 2, 1, 3, 2, 5, 5 ऊपर, फिर 5 नीचे, सेम 5 इधर और 5 इधर। 5×4 = कितने हो जाएंगे? 20। तो मिल्क टीथ कितने हो गए? 20। अब इस फार्मूले से तुमको क्या क्या याद कर सकते हो देख लो। मिल्क टीथ में इंसाइजर कितने टोटल? इन मिल्क टीथ इंसाइजर दांत कितने हैं? 2, 4, 6, 8 बोले तो कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि यही सबसे पहले इंसाइजर। फिर कैनाइन कोई पूछे तो 1, 2, 3, 4 कैनाइन कितने? 4।
प्रीमोलर 0 0 0 0, मोलर 2 4 6 8। ऐसा हो सकता है कि कौन सा टीथ अब्सेंट होता है मिल्क में, टोटली मिल्क टीथ में वो आता ही नहीं है, आप किसे बताओगे? अब्सेंट है, क्या होता है ये? अब्सेंट है। तो ये हमारी बात किसकी हो गई, मिल्क टीथ की या डेसिड्यूस टीथ की। अब बात करते हैं अपने दूसरे परमानेंट टीथ की, इसको नोट कर लो, परमानेंट टीथ है ना, इन एडल्ट, इन एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। बोलो भैया कितने होते हैं, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? आपको हो गए 32, कितने होते हैं 32। चलो करके देखो क्या मतलब रहेगा, दांतों का क्रम वही रहेगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सेम बनाओगे ऐसे ऐसे। सर क्या फार्मूला है? फार्मूला तो बता दीजिए। फार्मूला होता है 21 23 21 23, मतलब सर इधर की तरफ 2 1 2 3 2 1 2 3, सेम 2 1 2 3 2 1 2 3। अब सेम है इंसाइजर, कोई पूछे कितने इंसाइजर, 2 2 4 4 4 8 है ना। अब देखो नेक्स्ट कैनाइन देख लो, 1 2 3 4 4 है। प्रीमोलर देख लो, 2 2 2 2 नहीं 8 है, और मोलर देख लो 3 3 3 3 6 ना, 3 2 6 6 9 12 हो जाएंगे 12, करके देख लीजिए टोटल कितना आ रहा होगा 32। अब हम इससे कंपेयर भी कर सकते हैं कि एडल्ट में और मिल्क टीथ में क्या डिफरेंस रहता है। देखो ये किसका है, एडल्ट का है। अगर मिल्क टीथ हम यहाँ लिखे तो मिल्क टीथ का भी बताया 21 0 है ना। अब देखो ये क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये टीथ सेम है, इंसाइजर कैनाइन सेम है, प्रीमोलर कंप्लीटली एब्सेंट है, लेकिन मोलर इसमें 3 है और मिल्क टीथ में 2 2 है। मतलब मिल्क टीथ में मोलर अब्सेंट तो नहीं है, हैं लेकिन संख्या उनकी कम है। कितनी कम है, देखो इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब 4 कम होते हैं। तो इस फार्मूले से हमको यही चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, ये एडल्ट के लिए डेंटल फार्मूला हो गया। क्या होता है 21 0 सॉरी 21 21 23 है ना। अगला अपन लोग देखते हैं जो अपने मोनोफोडोंट का फार्मूला था उसको देख लेते हैं। मतलब वन टाइम, केवल एक ही बार आए जीवन में, कितने थे नंबर बोलो भैया, नंबर 12, क्योंकि 20 तो वो थे तो 12 ये जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे। अब इसका फार्मूला सर बताइए, इसका फार्मूला होता है 0 0 2 1 ना, होता है 0 0 2 1, चलो अपॉन 0 0 2 1 सेम, इधर 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 सेम कर लो भैया। इंसिजर तो हाई नहीं है, कैनाइन हाई नहीं है, प्रीमोलर 2 2 2 2 कितने हो गए 8, मोलर 2, टोटल 3 कितने हो गए, तीन सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, और ये 4 है ना, मोलर ये 4 ना, हो जाएगा हमारा 12। अब बोले इसमें क्या नहीं है, ऐसे कौन से टीथ हैं जो हमारे पास केवल जीवन में एक बार आते हैं, क्या बताओगे? ये देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्या था, इंसाइजर, ये क्या था कैनाइन, ये क्या था प्रीमोलर, और ये क्या था मोलर। तो कौन कौन से टीथ हैं ऐसे जो जो हमारे जीवन में केवल एक ही बार आते हैं? तो आप कहोगे प्रीमोलर और मोलर, है ना, सारे नहीं, एक एक इधर वाले हैं, तो ऊपर की तरफ से एक, नीचे की तरफ से एक, फिर एक तरफ एक, दूसरी तरफ एक, मतलब ये एक
ये एक और ये दो दो, ये सारे कैसे हैं? ये सारे एक बार आते हैं, वन टाइम टीथ है। तो ये हमारा फार्मूला किसके लिए हो जाएगा? मोनोफोडोन टीथ के लिए हो जाएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक एक डेंटल फार्मूला और भी याद रखना है अबाउट द 17। जिस समय हमारे दांत 32 नहीं होते हैं, है ना, उस समय 28 ही रहते हैं, उसको हम लोग फार्मूला कहते हैं 21/22। ये कितना है? लगभग 17 साल की एज के आसपास है, अबाउट द एज 17, है ना। अभी समय देखो कितने टीथ हो गए, है ना, 2 1 2, कितना हो जाएगा ये, 4 5 2, तो 1 3 2 5 2 7, ना 7, ऊपर 7 नीचे 7 फिर उधर, तो 7 into 4 कितने हो जाते हैं ये, 28। ये अबाउट वो लगभग 17 साल के आसपास है।